सरप्राइज का डायलॉग सुनना चाहिए ना शाहरुख खान की जुबानी। सुल्तान को तो आती है बस सिर्फ दोस्ती निभानी। हमारी दोस्ती तो जग जाए। जब हम दोनों दुश्मनी में बिजी थे आमिर खान हमसे आगे निकल गया। बहुत आगे निकले हैं, बहुत आगे निकले हैं। देखो ये सीन आपने देखी, ये फिल्म थी करण अर्जुन, सलमान खान, शाहरुख खान, बॉलीवुड के दो सुपर मेगा स्टार जिनके बिना बॉलीवुड अधूरा है। एक्चुअली सलमान के फैंस और शाहरुख खान के फैंस की फाइट जबरदस्त तरीके से हमेशा से चलती आई है और जिसका फायदा थर्ड पर्सन लोगों ने हमेशा उठाया है। अच्छा, ये सलमान के फैंस को और शाहरुख खान दोनों फैंस को पता है ये दोनों स्टार जो है ये बॉलीवुड की जान है और बॉलीवुड की शान है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे गिराने के लिए पीछे नहीं हटते। एक चीज मैं बताना चाहूंगा शाहरुख और सलमान खान के फैंस को, हो सकता है मैं एक बेवकूफ इंसान हूं और मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन जो बात फैक्ट है मैं बोलता हूं, गदर 2 500 करोड़ प्लस करके गई कैसे पता है? दिमाग लगाना, माइंड लगाना तो समझ में आएगा। और अभी जो एनिमल चल रही है उसका जो इतना जबरदस्त हाइप बना है, क्यों बना है समझ में आ रहा है? इसको भी सोचना। और स्पेशली अक्षय कुमार के फैन जो जिसकी फिल्में लगातार जबरदस्त सुपर हिट, उसकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप क्यों हुई, इसके लिए भी थोड़ा माइंड लगाना। अक्षय फैंस भी मैं कहता हूं, ये एजेंडा चलता है, जिसको चलाना होता है ना बस वो लोग 8-10 लोग मिलकर ये चीज बताते हैं और वही चीज ये लोग समझते हैं। अगर आप एक नहीं हुए तो ये दोनों एक्टर्स सबके पीछे जाएंगे, याद रखना आप मेरी बात। अगर आप अभी यकीन नहीं कर रहे हो तो आने वाले कल में देखना। देखो सलमान खान के फैंस तो वैसे भी नल्ले जो नए नए हैं वो तो कर ही रहे हैं, SRK का जो टाइम अभी बता रहे हैं ना ये लोग उनको भी गिराएंगे। तुम नहीं समझ रहे हो, एक मौका मिलेगा SRK। शाहरुख सलमान में वो मोहब्बत है जो पर्दे पे दिखती है ना रियल में भी वही दिखती है। सलमान हर जगह शाहरुख खान के बारे में बोलते हैं, हर जगह उनकी तारीफ करते हैं। शाहरुख खान ने बड़कपन दिखाया था कि बात ना होते हुए भी और पिता की शादी में बिना इन्विटेशन ही पहुंचे थे, ये शाहरुख खान का बड़कपन था जिसे देख सलमान खान उनको गले लगा लिए थे, जो कि बातचीत उस टाइम सलमान शाहरुख में नहीं चल रही थी। ये दोनों की मोहब्बत है, ये दोनों का प्यार है और दुनिया जानती है कि सलमान शाहरुख ने बॉलीवुड को ही संभाला है, कि दुनिया को पता है। लेकिन आज जो है इन लोगों को थोड़ी सी मौका मिलता है तो इन लोगों को उखाड़ के रख दिया जाता है हर एक चीज से। इसका चांस कौन देता है? सलमान फैंस, शाहरुख खान फैन। अगर ये दोनों एक पे हो जाए ना तो जिंदगी में बता रहा हूँ वो रिकॉर्ड्स बनेंगे ना जहां नए नए लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। और जितने लोग एजेंडा चला रहे वो बंद हो जाएगा। मेरे चैनल पे देखो मैं वो करता हूँ ना, जो एक्टर की बुराई करता है वो अक्षय कर रहा है तो मैं अक्षय के फुल सपोर्ट में था, सनी पाजी के फुल सपोर्ट में वीडियो मैंने बनाई, बहुत बनाई है, वो भी चैनल पर है। अजय देवगन के फुल सपोर्ट में बोला है कि वो आंखों से बनता है, एक्टिंग जो कर लेता है वो कोई एक्टर, मतलब हर किसी के बारे में। लेकिन इस टाइम जो एजेंडा सेट किया जा रहा है वो मालूम है, सलमान शाहरुख के फैंस को लड़ा के अपना उल्लू सीधा करना, समझ रहे हो? जब ब्रह्मास को यही सब जो ट्रोल कर रहे थे उस वक्त रणबीर को मैं सपोर्ट किया, तू झूठी में मक्कार, मैंने सपोर्ट किया। लेकिन एनिमल का जो बस बना, क्यों बना? एनिमल फिल्म इंटरवल बाद पूरे सेक्स पे डिपेंड है, उसके बावजूद भर भर के लोग फिल्म देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? इसको दिमाग लगा के सोचना, और नहीं समझ में आएगा तब मुझसे पूछना, बताऊंगा क्यों। बहुत बड़ी प्लानिंग है, बात समझो। अक्षय फैन हो, सलमान फैन हो, शाहरुख फैन हो, जो भी हो, मिलकर जब देखोगे ऐसे लोग तुम्हारे एक्टर के बारे में अच्छा बोल के गिरा रहे ना, उनको देखना बंद कर दो, क्योंकि वही लोग सेट करते हैं तुम लोगों को कहां पे गिराना है। तुम लोग बहुत ब्रिलियंट इंसान हो, अपने दिमाग का यूज करो, वरना आने वाले कल में आपस में लड़ के रह जाओगे और ये लोग सेट करेंगे कौन फिल्म हिट होनी है कौन सी हिट नहीं होनी है। बात मेरी बहुत गहराई की है, डीपली जाके इसको सोचना। सलमान शाहरुख जैसा स्टारडम किसी का नहीं आएगा, ये सबको पता है। तुम लाख ब्लॉकबस्टर दे दो, ये लोगों ने जो 35 सालों में नाम कमाया है कोई इनके टक्कर में नहीं है। और ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट और इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, और दोनों कमाल के हैं जो दिलों पर राज करते हैं दोनों। लेकिन सलमान शाहरुख के फैन एक दूसरे को गिराने में पीछे नहीं हटते यार, प्लीज अभी भी वक्त है, सोचो समझो। गदर 2 को ब्लॉकबस्टर क्यों बनाए ये भी सोचना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। तमाम भाई और बहनों से गुजारिश है इनके लिए दुआ करें, इनको कैंसर हो गया, फर्स्ट स्टेज है, बट आप दुआ करेंगे तो शायद इनको शिफा मिल जाए और इनकी बेटी और एक लड़की और बेटी को बाप से मिलने के लिए आप जितनी मदद कर सकें तो प्लीज इस QR पे स्कैन करके मदद करें। देखिए हम लोग फालतू खर्चा बहुत करते हैं, अगर थोड़ी मदद हो जाएगी बहुत बड़ी बात होगी।